भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो स्वागत है आपका है हमारे चैनल टेक्नो बॉम में। और आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5+1 ऐसे ऐप्स बताऊंगा जो कि काफ़ी मज़ेदार और कुछ यूज़फुल भी हैं। ओके, तो यहाँ पहला ऐप है फैंसी टेक्स्ट। तो इस ऐप में आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब मस्त चीज़ें है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका टेक्स्ट जो भी आपको लेना है, कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ टाइप कीजिए ऊपर, और उसका आपको बहुत सारा उसका एक मतलब कैटेगरी मिल जाएगा। आपको जैसा डिज़ाइन मतलब चाहिए उस डिज़ाइन को आप देख के ले सकते हैं इसमें। तो काफ़ी मज़ेदार है। और इसमें आप क्या बोलते हैं कि अपने टेक्स्ट को इमोजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। और उसमें मतलब अपना जो भी टेक्स्ट है उसको आपको, जैसे देखिए टेक्नो बॉम लिखा है मैंने, तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए और ऊपर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टेक्स्ट टू इमोजी वाले। तो फिर उसके बाद आपको जो भी पसंद है सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखिए ऐसा शो भी कर देगा कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी करके इसको कर देना पेस्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो अपना सेकेंड ऐप अब है 9GAG। ये एक्चुअली में एक मीम पे मतलब मीम पेज नहीं, मीम ऐप है। ओके, तो इस ऐप में क्या है, आपको मतलब पूरे मीम्स और फनी वीडियोस ये वगैरह दिखेंगे बस। तो यहाँ पर आप जिसका भी मीम पेज या आपको जो भी अगर मीम देखना चाहते हैं, जिसको ज़्यादा मीम देखना पसंद है, तो वो लोगों के लिए सही ऐप है एकदम। तो बड़े मस्त मजे लो एकदम जिंदगी के, एकदम मसालेदार एकदम मीम्स है इसमें। तो यार देर की से बात की भाई, जल्दी से लाइक ठोक दो वीडियो पर, ऐप्स डाउनलोड करके मजे लो। और यहाँ पर आपको जल्दी मतलब जो भी पसंद है उसका आप यहाँ शेयर पे जाके गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। और काफ़ी सही आप एक फनी फनी वीडियोस पे थे, मैं भी इसमें खूब टाइम पास किया हूँ भाई। तो ठीक है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए यह अलग हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो अपना जो तीसरा ऐप है वो है अपना एज लाइटनिंग। ओके, तो ये काफ़ी मज़ेदार ऐप है क्योंकि हर फोन सब मतलब मोस्ट ऑफ द फोन में तो एज लाइटनिंग दिया नहीं होता, कुछ ही फोन में दिया रहता है। तो इस हिसाब से आप एज लाइटनिंग अपना इनेबल कर सकते हो जो कि काफ़ी तगड़ा दिखता है। इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाते हैं और बहुत सारे मतलब अलग अलग क्या क्या दुनिया जहाँ का चीज़ है भाई। इसमें मिर्च मसाला सब भर दिया एकदम मज़े से। ओके, तो आप यहाँ पर आप देखिए इसमें आप बॉर्डर साइज मतलब आपको कितना चौड़ा चाहिए आपका ये, और उसके बाद कॉर्नर्स कितना कर्व होगा या कैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका नॉच कैसा है, प्लेन है कैसा है नॉच, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा एडजस्टमेंट दिया, पूरा इतना एडजस्ट कर सकते हैं आपका जहाँ भी है नॉच। ठीक है, काफ़ी इजी है इसका यूज इंटरफेस और काफ़ी सही काम करता होगा। इसमें आप चाहे तो बैकग्राउंड मतलब जो अपना स्क्रीन वहाँ डार्क ब्लैक भी रख सकते हैं, या तो जो आपका वॉलपेपर है ये वो, या तो जो आपका फ़ोटो लगाना है वो कुछ भी आप डाल सकते हो आपके ऊपर। आपका पूरा इसमें हाथ मतलब आप पूरा सेटिंग करोगे इसमें आपको जो चाहिए। तो काफ़ी सही है, काफ़ी मज़ा आता है इसमें मतलब एकदम मस्त लाइट को घुमाने में, एकदम मस्त एकदम घूमते रहता है स्क्रीन में, मज़ा आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखा, यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू, अब मैं आपको इसका एक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखा, काफ़ी मस्त दिखता है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप। तो अपना जो फोर्थ ऐप है वो आता है पोको लॉन्चर। मतलब बेसिकली मतलब मेरे को पोको लॉन्चर बेसिकली अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी सिस्टमेटिक रखता है ये ऐप्स को। और इसमें आपको कैटेगरीज मिल जाती है अपना, जैसे आप ये ड्रैग करेंगे तो ऊपर आपको कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट सब आपको एक मतलब डेडिकेटेड आपको स्लॉट में मिल जाएगा ऐप्स। और काफ़ी सिस्टमेटिक रहता है तो काफ़ी मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, काफ़ी यूज़फुल है ये वाला लॉन्चर। तो काफ़ी बेस्ट लगता है वाला लॉन्चर अगर आपके पास पोको नहीं है, या मतलब एक तरह से मतलब अच्छा है ये, सिंपल है, क्लासिक लुक है और काफ़ी सही है। इसमें आपको कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे, आप मतलब बैकग्राउंड कैसा रहेगा, कलर क्या रहेगा, कितना ओपेसिटी आपको, ब्लर ऐप ब्लर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, काफ़ी सही ऐप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। जो अपना फिफ्थ ऐप है अब वो आ गया नोटिसेव। ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है मेरे लिए, मतलब बेसिकली क्योंकि भाई दुनिया जाके नोटिफिकेशन एकदम कचरा भरे रहता है, मतलब स्क्रॉल डाउन करो तो भाई समझ नहीं आता कौन सा पहले देखूँ मैं। तो यहाँ पर यह ऐप काफ़ी यूज़फुल है, यहाँ पर आपको जैसे अनरीड मैसेजेस और ये सब दिखा देगा। ओके, और मेन क्या है, ये ऊपर जो आपका मतलब ऐसे स्लाइड करेंगे नीचे आपका नोटिफिकेशन पैनल खोलेंगे तो वहाँ पर ही आपको पूरा एक ही जगह अरेंज करके दिखा देता है। ओके, मतलब आपको देखिए एक ही जगह आपको सारे ऐप्स का दिखा देगा कि इस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ये कचड़ा नहीं होने देता, आप उसको एक बार सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका पूरे नोटिफिकेशन खुल जाएंगे। काफ़ी ईजी है यूज़ करना और काफ़ी यूज़फुल भी है, मतलब एकदम कचड़ा नहीं, आपको एकदम शांत एकदम माहौल मिलेगा अपने मोबाइल में,
एकदम मजे लो जिंदगी के, एकदम शांत वातावरण में। ओके तो यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप, जो अपना लास्ट ऐप फॉर बोनस ऐप ये है 4K वॉलपेपर्स। अब भाई वॉलपेपर तो आपने मतलब बहुत सारे देखे होंगे, भाई वीडियो में छोड़ देना वॉलपेपर देख के, काफ़ी सही ऐप है। इसकी जो वॉलपेपर की क्वालिटी है वो काफ़ी तगड़ी होती है। ओके जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वॉलपेपर के, तो आप चेक कर दो, इतने सारे ऑप्शन है भाई, मतलब दुनिया जाके वॉलपेपर इसी में ही डाल दिया भाई जैसे। ओके तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डाउनलोड किया, बस सिंपल आपको जो भी आप जो भी चाहिए उसको डाउनलोड करो, या तो डायरेक्ट क्रॉप सेट पे जाओ और डायरेक्ट अप्लाई कर दो, तो देखिए आपको वॉलपेपर लग जाएगा। तो काफ़ी तगड़ा दिखता है ये, और काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे इसमें वॉलपेपर है। मैं इसी से अभी आजकल अपना वॉलपेपर लगा रहा हूँ, काफ़ी पसंद आ रहा है लैप मेरे को, और आप भी यूज़ कीजिएगा। ओके और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना यार, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करो। और भाई क्या है, इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट दिखाया, अपना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके और यही मिलते हैं अगले वीडियो में।